अग्रवाल उससे पूछता है कि उसको क्या हुआ है। रुक्मणी कहती है उसको जवानी का रोग लग गया है, उसको मोहब्बत हो गई है, जिसको सुनकर वो हंस पड़ता है और कहता है ये रोग सबको लगता है, और पूछता है किससे मोहब्बत हुई है उसे। जिस पर रुक्मणी कहती है आपका बेटा सुशील, जिस पर उसका नाम सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि रुक्मणी ये सब जानती है कि सुशील और जीनत दोनों बहन भाई हैं, क्योंकि दोनों अग्रवाल के बच्चे हैं। इसलिए रुक्मणी को जीनत सबसे ज्यादा अजीज थी, क्योंकि अग्रवाल की बेटी की परवरिश के बदले उसके पैसों के साथ कोठे पर होने वाले कामों की वजह से पुलिस से बचने में भी अग्रवाल ही मदद करता था। इसलिए रुक्मणी जीनत से बाकी लड़कियों की तरह काम नहीं करवाती थी, वो बस एक सिंगर थी। लेकिन जीनत के साथ सोना वहाँ आने वाले हर मर्द की ख्वाहिश थी, लेकिन रुक्मणी किसी मर्द को जीनत के पास न आने देती थी, और इसकी असल हकीकत और वजह कोई नहीं जानता था। लेकिन जीनत से मोहब्बत की वजह से कोठे की हर लड़की जीनत से हसद करती थी और रुक्मणी से भी नाराज रहती थी, खासतौर पर बसंती। जीनत रुक्मणी के कोठे की एक औरत और अग्रवाल की बेटी है। इस राज को रुक्मणी कई साल तक छुपाए बैठी है। रुक्मणी कहती है अब इस राज से पर्दा उठाना ही पड़ेगा, जिस पर अग्रवाल कहता है वो क्यों पूरे शहर में उसकी नाक कटवाना चाहती है, क्या वो ये सब पैसों के लिए कर रही है। जिस पर रुक्मणी कहती है उसका किरदार इतना भी बुरा नहीं कि वो पैसों के लिए ऐसा करेगी। वो जीनत को अपनी बेटी जैसी समझती है और बेटी समझ कर ही पाला है, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है, जीनत को बताना ही पड़ेगा। रुक्मणी से छुपकर बसंती जो की एक क्लासिकल डांसर है एक फोटोग्राफर से मिलती है। ये फोटोग्राफर हमेशा ब्रोथर पर रहता है और वहाँ पे मौजूद लड़कियों की हमेशा तस्वीरें खींचता रहता है और हमेशा कोशिश करता है कि उनकी कोई न्यूड पिक्चर इसको मिल सके। ऐसे ही किसी फोटोग्राफ के लिए वो बसंती के भी पीछे पड़ा रहता है। बसंती फोटोग्राफर से मिलती है जो उसको बम्बई में फिल्मों में काम करने का लालच देता है और उसके साथ भागने के लिए कहता है, और ये भी कहता है कि वहाँ के मशहूर फिल्म डायरेक्टर उसको जानते हैं, वो दोनों वहाँ काम करेंगे और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएंगे। रुक्मणी अग्रवाल से मिलने के बाद जीनत के पास जाती है और उसको कहती है क्या वो सुशील को अपने जेहन से नहीं निकालेगी। जीनत कहती है नहीं। फिर रुक्मणी उसे कहती है तो ध्यान से सुन, सुशील तेरा भाई है और तू अग्रवाल की बेटी है। ये कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ अग्रवाल अपनी बेटी सुशील के पास जाता है जो जीनत को खत लिख रहा होता है। अग्रवाल वो खत पढ़ता है और उसको कहता है उसको जीनत ही मिली थी इश्क लड़ाने के लिए, एक तो वाइफ की बेटी, और कहता है वो गुप्ता को क्या मुंह दिखाएगा और ये घर जो गिरवी रखा है इसका क्या बनेगा। जिस पर सुशील कहता है तो इसका मतलब है उसका सौदा हो रहा है। लेकिन अग्रवाल गुस्से से उसको जीनत से मिलने को मना कर देता है और उसको धमकी देता है अगर वो उससे मिला तो बहुत बुरा होगा। इसी दौरान में मुलाजिम बताता है गुप्ता की बीवी और बेटी आई है। अग्रवाल इनके पास आकर बैठ जाता है, लेकिन सुशील पीछे जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है कि वो बच्चा नहीं है, वो शादी अपनी मर्जी से करेगा, कोई कुछ भी कर ले। गुप्ता की बीवी अग्रवाल से कहती है क्या सुशील किसी ड्रामे के डायलॉग याद कर रहा है। जिस पर वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कहता है हाँ वो रिहर्सल कर रहा है, लेकिन वो जानती थी सुशील उसकी शादी की बात कर रहा है और उसकी बेटी से शादी से इनकार कर रहा है। और मजीद शर्मिंदगी से बचने के लिए वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। गुप्ता रुक्मणी बाई के पास जाता है, उसको पैसों का लालच देकर किसी और जगह शिफ्ट होने को कहता है, क्योंकि मजाक की वजह से ये जगह भी कमर्शियल जमीनों और कारोबार के जरिए मजीद अच्छा सरमाया लगाकर कमाया जा सकता है। इसी सोच की वजह से वो रुक्मणी को लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन रुक्मणी कहती है हर जगह बाबा खड़क शाह थोड़ी मदद करेंगे, और क्या वो इनको भेड़ बकरियां समझते हैं कि कहीं भी हाँक देंगे और वो चली जाएगी, और वो किसी और जगह शिफ्ट होने से इनकार करती है। लेकिन इस बार रुक्मणी की जगह नादरा गुप्ता के झांसे में आ जाती है। रात के वक्त वही बुजुर्ग जिसने रुक्मणी को दुआ मांगने के लिए कहा था, वो तोते के पिंजरे के पास खड़ा बातें कर रहा होता है। जीनत उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आती है। वो बुजुर्ग जीनत को पिंजरे में कैद परिंदे से तशबीह देता है। वो पिंजरे में मौजूद तोते से कहता है कि जा उड़ जा। जीनत कहती है क्या वो कैसे भाई जिंदा रह सकेगा। जिस पर वो कहता है वो तो कैद के अंदर रह के भी मारा जाएगा, लेकिन आजाद होने के बाद शायद इसको अपनी पहचान मिल जाए। जीनत कहती है वो ये किसको सुना रहा है। जिस पर वो कहता है यहाँ कौन है सुनने वाला, और ये कहकर चला जाता है। जीनत समझती है ये उसने इसके बारे में कहा है। इसे सुशील के आने के बाद वो उसके साथ भाग जाती है। सुशील रात के पहर जीनत के पास आता है, उसे कहता है वो घर से बहुत सारे पैसे लेकर आया है, वो उसके साथ चले, हम दोनों भाग जाते हैं। रात को पहरा देने वाला पुलिस कांस्टेबल रुक्मणी बाई को बताता है जीनत भाग गई है। पूरे घर में ये बात फैल जाती है। अग्रवाल भी सुशील को ढूंढते हुए वहाँ आता है, जहाँ उसे जीनत के भागने की खबर मिलती है। इसी दौरान में अफरा तफरी में अचानक रुक्मणी के मुंह से जीनत और अग्रवाल के बाप बेटी होने वाली बात निकलने वाली होती है कि अग्रवाल उसके मुंह पर हाथ रख देता है, उसको साथ चलने को कहता है। दोनों सुशील और जीनत को ढूंढने के लिए जाते हैं। अग्रवाल रुक्मणी से नाराज होता है कि उसे एक लड़की की निगरानी न हो सकी। अग्रवाल अपनी किस्मत पर रोता है कि उसके हाथ से लड़का भी गया और लड़की भी, वाह क्या किस्मत।
किस्मत है। ये कहकर वो अपने आप को कोस रहा होता है। रुक्मणी उससे कहती है अब क्या किया जा सकता है, जो होना था वो हो गया, अब दोनों को ढूंढो। पहले जीनत और सुशील मोटरसाइकिल के खराब होने की वजह से रास्ते में रुकते हैं। जीनत मौका पाकर सुशील से दूर भाग जाती है। सुशील उसका पीछा करता है पर वो पैसों का बैग फेंक कर भाग जाती है। कुछ देर के बाद अग्रवाल और रुक्मणी भी वहाँ आ जाते हैं। अग्रवाल अपने बेटे को देखकर खुश होता है। रुक्मणी जीनत के बारे में सुशील से पूछती है लेकिन उनको वहाँ जीनत नहीं मिलती है, वो इनको छोड़कर जा चुकी थी। रुक्मणी को जीनत के जाने का दुख होता है और वो उसके लिए रो रही होती है। बाकी लड़कियाँ उसको दिलासा दे रही होती है लेकिन वो इनके सामने जीनत की तारीफें करती है और कहती है ये कोठा उसने सारी उम्र चलाया। नादरा जी उसकी बातें सुन रही होती है। रुक्मणी की बातें सुनने के बाद नादरा उसको जवाब देती है कि ये कोठा उसने नहीं बल्कि हम सब लड़कियों ने मिलकर चलाया है और अब यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ये काम खुद भी कर सकते हैं और गुप्ता भी इनके साथ है और वो गुप्ता की कही गई नई जगह पर जा रही है और वैसे भी बाकी सब लड़कियां भी यहाँ से जा रही हैं। अब यहाँ कोई नहीं है, अब यहाँ कोई नहीं बचा है। बसंती फोटोग्राफर के साथ जा रही है, इससे वो कल जाने की बजाय अभी जाए। उसको जीनत का गम करना है तो करे क्योंकि वो जीनत को ही सब कुछ समझती है। वो एक अच्छी क्लासिकल सिंगर थी और रुक्मणी को उससे काफी फायदा था लेकिन नादरा उसको कहती है इनको अब उसकी जरूरत नहीं है, इसी वो कहीं और जाकर जीनत का रोना रोए। इस पर रुक्मणी कहती है वो ऐसी जगह पर कभी नहीं रुकेगी जहाँ उसके जज्बात और खिदमत की कोई कदर नहीं है। रुक्मणी अपने तोते के पिंजरे और अपने वफादार मुलाजिम टुंगरस को लेकर वहाँ से चले जाती है। रुक्मणी बड़ी सदमे की हालत में है और भारी दिल के साथ वो अपने वफादार नौकर टुंगरस के साथ कोठा छोड़ देती है। रास्ते में थकन की वजह से वो पानी के लिए रुक जाते हैं। पानी की तलाश में टुंगरस इतफाकी तौर पर एक शिवलिंग के सामने जाता है जो कि एक देवता की एक मूर्ति है और शिवलिंगम को देखने के बाद वो रुक्मणी बाई को बुलाता है और वो दोनों शिवलिंगम से बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं। तभी इनको फूलमणी जिसको शांति देवी अपने साथ ले गई थी वो इनको नजर आती है। फूलमणी भागते हुए रुक्मणी की तरफ आ रही होती है। रुक्मणी फूलमणी को देखकर खुश हो जाती है और देवता को शुक्र अदा करती है क्योंकि पहले की तरह उसकी दुआ भी अब कबूल हो चुकी थी। पहले बाबा खड़ग शाह के दरबार की वजह से उसके कोठे की रौनकें वापस आ गई थी, अब यहाँ मजाक की वजह से दोबारा से वही रौनकें जो है वो कायम हो सकती है क्योंकि पहले बाबा खड़ग शाह के दरबार की वजह से लोग वहाँ पे आते थे, अब यहाँ पर मंदिर की वजह से लोग आते रहेंगे और ये वीरान जगह भी पहले जगह की तरह आबाद हो जाएगी और रुक्मणी का काम भी यहाँ पे बढ़ सकेगा जो कि दोबारा फूलमणी के वहाँ आने की सूरत में एक उम्मीद की सूरत में नजर आया था। नेक्स्ट स्टोरी में क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट, क्या ह्यूमन बिहेवियर, क्या इंसानी सोच है वो बयान की गई है। नेक्स्ट स्टोरी से क्या सीखा जा सकता है, इसमें क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट बयान किए गए हैं, क्या ह्यूमन बिहेवियर या इंसानी सोच को जो है वो बयान किया गया जो कि 80s में फिल्म के जरिए बयान किए गए थे। और कहा जाता है कि लिटरेचर और अदब जो है, अदब या किताबें जो है जिस वक्त में लिखी जाती हैं उस वक्त की एक आकाशीय होती है, एक आईना होते हैं। सो लेट सी द मिरर ऑफ 80s। 80s में क्या सोच थी, औरत की किस्मत और जिंदगी भी किसी कटी पतंग जैसी है जिसे हवा के थपेड़े जाने कहाँ लाकर पटक देंगे। मर्द शादी के नाम पर औरत को धोखा देता है जिसकी मिसाल श्रीकांत है। श्रीकांत फूलमणि को शादी के नाम पर धोखा देता है। नेक्स्ट 80 की दहाई में एक जवान लड़की को किसी ब्रोथल पर 4000 रुपए में बेच दिया जाता था। इंसान पर मुसीबत के आती है सब गिरगट की तरह रंग बदल लेते हैं। ये रुक्मणी के अल्फाज होते हैं जब नादरा जीनत के जाने के बाद अपना रंग दिखाती है, अपना असल रूप दिखाती है। नेक्स्ट है किसी की तकदीर से कैसे लड़ा जा सकता है, जो जिसकी किस्मत का होता है वो इसे मिलकर रहता है। नेक्स्ट हर लड़की और लड़के को जवानी का रोग लगता है जिसको मोहब्बत या इश्क कहा जाता है जो कि हर किसी को लगता है, ये मर्ज है वो हर किसी को लगता है। नेक्स्ट फ्लाई अदारे चलाने वाले और जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये दोनों मिलकर किसी भी काम को करवा सकते हैं जैसे कि मिसाल कहानी में शांति अग्रवाल और मिस्टर गुप्ता की है। यानी ये लोग मिलकर कुछ भी करवा सकते हैं जैसे कि एक कमर्शियल एरिया के लिए ये लोग ब्रोथल को किसी और जगह पर ट्रांसफर करना चाहते थे लेकिन इसके पीछे उनके अपने मोटिव थे जो कि माशरे की हफाजत या माशरे को किसी सोशल इवेंट से बचाने के बजाय उनके अपने ज्यादा मोटिव थे, अपने ज्यादा बेनिफिशियल थॉट्स थे, अपने मोटिव ज्यादा अहम थे। खुद को माशरे में मोतबर दिखाने वाले लोग भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनको दूसरे लोगों पर जाहिर नहीं होने देते हैं लेकिन इनका कोई ना कोई राजदा जरूर होता है जैसे कि रुक्मणी जीनत और उसके बाप मिस्टर अग्रवाल के राज को कई साल तक दिल में छुपा कर रखती है। नेक्स्ट एक बुजुर्ग जीनत को पिंजरे में कैद परिंदे से तशबीह देता है। सीन में ये दिखाया जाता है वो पिंजरे में मौजूद तोते से कहता है कि जा उड़ जा। जीनत कहती है क्या वो कैद से बाहर जिंदा रह सकेगा, जिस पर वो कहते हैं वो तो कैद के अंदर रहकर भी मारा जाएगा लेकिन आजाद होने के बाद शायद इसको अपनी पहचान मिल जाए। जीनत कहती है वो ये किसको सुना रहा है, जिस पर वो कहते हैं यहाँ कौन है सुनने वाला, और ये कहकर चला जाता है। जीनत समझती है ये उसने इसके बारे में कहा है
इसे सुशील के आने के बाद वो इसके साथ भाग जाती है, लेकिन कुछ दूर जाकर वो सुशील को भी छोड़कर भाग जाती है, क्योंकि वो जानती है कि सुशील उसका भाई है। और इस हकीकत को जानकर सुशील से भी दूर भाग जाती है ताकि वो अपनी पहचान और जिंदगी तलाश कर सके, क्योंकि रुक्मिणी और सुशील उसके बाप की असलियत जानने के बाद वे इन सबसे दूर जाना चाहती है। लेकिन रुक्मिणी बुजुर्ग की बात मानकर मन्नत मांगती है, लेकिन पहली मन्नत में होने वाली गलती को जान चुकी थी, क्योंकि उसने पहली मन्नत में कोठे की खुशहाली मांगी, लेकिन साथ ये कहा कोठे को तरक्की मिले चाहे उसके लिए उसको वहाँ से जाना ही क्यों न पड़े। और वैसा ही हुआ, दरगाह के करीब कोठे से उसको वहाँ की एक औरत नादरा वहाँ से जाने को कहती है कि वो खुद इस कोठे को चला सकती है, अब उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए रुक्मिणी जब दोबारा मन्नत मांगती है तो ये कहती है वो भी कोठे पर रहे और कोठे की खूब तरक्की हो। उसकी मन्नत इस बार भी कबूल हो जाती है, पूरी कबूल हो जाती है। इस फिल्म के आखिरी सीन में फूलमनी, जो कि गूंगी बहरी लड़की होती है, उसको कोठे पर कोई बेच गया था और जिसको शांति देवी अपने साथ ले गई थी, लेकिन वो वहाँ से भाग कर वापस आ जाती है। रुक्मिणी फूलमनी को देखती है, खुश हो जाती है, जिसका मतलब था अब कोठा दोबारा से बहाल हो सकेगा चाहे एक लड़की ही हो। नेक्स्ट कोठा शहर के बीचों बीच होता है, जहाँ इसमें शहर के हर सियासतदान फ्लाई अदारे चलाने वालों की नजर होती है। फ्लाई अदारे वाले इसको सोसाइटी में बेहयाई की वजह समझते थे, जबकि सियासतदान और बिल्डर इसको ऊंची बिल्डिंग और प्लाजे बनाने के लिए ज्यादा पैसे कमाने की एक जगह समझते थे। वहाँ का मशहूर बिल्डर गुप्ता रुक्मिणी और इसके लोगों को पैसों का लालच देकर इस जगह को छोड़ने को कहता है और इनको एक उजाड़ और बियाबान जगह पर जाने को कहता है, लेकिन रुक्मिणी की किस्मत काम करती है और वहाँ भी एक मजार की वजह से इनके कोठे पर रौनक बहाल हो जाती है। इनकी दोबारा से तरक्की देखकर इन सियासतदानों को फिर से इनको वहाँ से निकालने का ख्याल आ जाता है, लेकिन इस बार बिल्डर के पैसों के लालच में रुक्मिणी नहीं बल्कि एक वर्कर नादरा बिल्डर के झांसे में आ जाती है, जो रुक्मिणी को वहाँ से जाने को भी कहती है। नादरा रुक्मिणी से कहती है वो बिल्डर की कही गई जगह पर जाएगी और वहाँ जाकर काम करेगी, अब उसकी जरूरत नहीं, वो यहाँ से जा सकती है। इस कहानी में हर टाइप के मर्द दिखाया गया, लेकिन ये मर्द मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखते हैं। ये मर्द अमीर से लेकर गरीब, सरकारी ओहदे वाले, समाज सेवा करने वाले मर्द जो कि फलाही इदारों को चलाने वाले हैं। मतलब मर्द का ताल्लुक किसी ओहदे से हो, अमीर हो या गरीब हो, सब औरत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमीर मर्द रुक्मिणी को पैसों का लालच देकर अपना मकसद पूरा करते हैं, जिनमें अग्रवाल जो सारी जिंदगी रुक्मिणी को अपनी जुबान बंद रखने के लिए पैसे देता रहता है। फोटोग्राफर बसंती को फिल्म का लालच देकर अपने साथ ले जाना चाहता है। पुलिस कांस्टेबल कोठे पर अपनी हवस को पूरा करने के लिए उसकी चौकीदारी करने लगता है। समाज सेवा करने वाले जो कोठे की औरतों के खिलाफ बात करता है, लेकिन उनके साथ अपनी हवस भी पूरी करना चाहता है। एक धोखेबाज इंसान श्रीकांत, जो गरीब घर की लड़कियों को शादी के नाम पर धोखा देता है और इनको धोखे से कोठे पर छोड़ देता है। नेक्स्ट, अगर मर्द औरत को ना खरीदे तो औरत कभी खुद को ना बेचे। नेक्स्ट, प्रोथल मर्दों की वजह से ही चलता है। कहानी में फोटोग्राफर, पुलिस कांस्टेबल, माशे के शरीफ और मोजेस मर्द, जिनमें मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर गुप्ता, शादी मोहब्बत के नाम पर धोखे देने वाला मर्द श्रीकांत, गर्ज, हर तरह का मर्द, अमीर से लेकर गरीब, शरीफ से लेकर बदमाश, सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट, रुक्मिणी बाई भी शांति से नफरत करती है। रुक्मिणी को अग्रवाल के जरिए ही शांति और उसके दामाद के अफेयर के बारे में पता चलता है। शांति जो कि जाहिरी तौर पर औरतों के हक के लिए बात करती है, लेकिन दूसरी औरतें जो कि प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, इनके खिलाफ है और कहती है इनकी वजह से माशा खराब होता है। लेकिन करदार में ये खुद भी एक प्रोस्टिट्यूट ही है, क्योंकि उसका अपने दामाद के साथ ही अफेयर होता है। शांति देवी और इसके दामाद के जिक्र पर मिस्टर अग्रवाल और गुप्ता इन दोनों का मजाक उड़ाते हैं और इन पर हंसते हैं, लेकिन शांति देवी के सामने आते ही उसको बड़ी इज्जत देते हैं। ये लोग सोसाइटी के दोगले लोग हैं। सोसाइटी के दोगले लोग ऐसे ही होते हैं, ऊपर ये कुछ और पीछे कुछ, क्योंकि शांति देवी सोसाइटी में एक अच्छे मुकाम और ओहदे पर है, इसी उसके सामने हमेशा उसको इज्जत देते रहते हैं। नेक्स्ट, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी शादियाँ एक बिजनेस की तरह होती है। लड़की को लड़का पसंद हो या ना हो, या लड़की को लड़की पसंद हो या ना हो, और वालदैन अपनी गुर्बत खत्म करने या फिर सोसाइटी में अपना रुतबा ऊंचा करने के लिए अक्सर बेजोड़ शादियां कर देते हैं। कहानी में सुशील की शादी भी ऐसी ही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो को बनाने के एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फैक्ट के हवाले से अपनी कोई बात शेयर करना चाहें या इनफैक्ट के हवाले से आप अग्री या डिसएग्री भी करते हो, कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ज़बानी बदलते हैं, ज़बानी बदलते हैं, आँखों ज़बानी।
बदलते हैं।